पिलाया गया रहस्यमय शरबत, जादू टोने की थी रस्म और चली गई 50 लोगों की जान। जी हाँ, अंगोला में जादू टोने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। समुदायों को इस मुद्दे से अपनी इच्छा अनुसार निपटने का अधिकार दिया गया है। बता दें कि अंगोला में एक जड़ी बूटी वाला शरबत पीने से लगभग 50 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों को ये साबित करने के लिए शरबत पीना पड़ा कि वो जादू टोना करने वाले नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पार्षद लुजिया फाइलमोन के अनुसार मौतें जनवरी और फरवरी के बीच सेंट्रल टाउन कैमाकुपा के पास हुई। नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए उन्होंने पारंपरिक चिकित्सकों पर घातक रहस्यमय शरबत देने का आरोप लगाया। कहा गया कि 50 से अधिक पीड़ितों को ये रहस्यमय लिक्विड पीने के लिए मजबूर किया गया था, जो पारंपरिक चिकित्सकों के अनुसार ये साबित करने के लिए होता है कि कोई व्यक्ति जादू टोना करता है या नहीं। पुलिस ने ये पुष्टि की कि करीब करीब 50 लोग मारे गए हैं। बता दें कि मुख्य रूप से कैथोलिक और पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश अंगोला में चर्च के कड़े विरोध के बावजूद कुछ ग्रामीण समुदायों में जादू टोने का विश्वास अभी भी आम है, जो कि कई लोगों की जानें ले रहा है और 50 लोगों की जान जा चुकी है। अंगोला में टोने टोटके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बताया गया कि जादू टोने में विश्वास के कारण ही लोगों को कथित जहर पिलाना एक व्यापक प्रथा हो गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अंगोला में चिंता का विषय बन गए हैं। जादू टोने के खिलाफ अंगोला में कोई कानून नहीं है। अंगोला में जादू टोने के खिलाफ कानून बनाने की मांग की जा रही है। समुदायों को इस मुद्दे से अपनी इच्छा अनुसार निपटने का अधिकार दे दिया गया है। जादू टोने के आरोपों का निपटारा अक्सर पारंपरिक चिकित्सकों या मैराबाउट्स द्वारा किया जाता है, जिसमें आरोपी को मबलुंगो नामक जहरीला हर्बल पेय पिलाया जाता है, यानी कि शरबत पिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु अपराध को सिद्ध करती है। जहां टोना टोटका ही ये वजह रही कि 50 लोगों की जान चली गई, क्योंकि रहस्यमयी शरबत पिलाया गया और रस्म थी टोने टोटके की। अब देखने वाली बात ये होगी कि टोना टोटका से अंबाला कब मुक्त होगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।